हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ हमेशा के जैसे एकदम मस्त ही होंगे। बारिश हो रही है आपके यहाँ पर या गर्मी पड़ रही है? काफी लोग बोलेंगे अरे यार अभी तो गर्मी ही पड़ रही है। वो तो है, मैंने भी अभी अपने घर पे होम टाउन पे फोन किया था इंदौर में, तो वहाँ पे भी ना काफी गर्मी पड़ रही है। बट यहाँ पुणे में ना 2-3 वीक से बारिश हो रही है, मतलब वीकेंड में बारिश हो रही है। और अभी हुआ ऐसा है कि लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है, 1.5 महीने से ऊपर हो गया, आपको कोई राइड का वीडियो नहीं मिला। तो इस वीक पक्का है आपको एक राइड का बढ़िया वाला वीडियो मिलने वाला है, तो बने रहिए चैनल पे। बट खास बात आज की ये है कि अगर उस राइड पे जाएंगे हम और बारिश हो गई, जो कि पक्का है पुणे में वीकेंड पे बारिश होती ही होती है, मैप कैसे लगाएंगे हम लोग? अभी मोबाइल तो जरूरी है ना मैप लगाने के लिए। तो उसके लिए मैंने खोजा एक वाटर प्रूफ केस, जो कि बोबो की तरफ से आता है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। वो रहा ये, आप देख सकते हैं, इसका नंबर है बोबो BM10H, हैंडल बार माउंट है, वाटरप्रूफ कवर है। अभी भी जो लगा हुआ है मेरे गाड़ी में ना, वो भी बोबो का ही केस है, बट वो वाटरप्रूफ नहीं है, नॉर्मल वाला है और उसमें चार्जिंग भी है। तो अभी हम लगाएंगे इसको दूसरे साइड, क्योंकि चार्जिंग चाहिए तो वहां से चार्जिंग लेंगे, इसको हम दूसरी साइड लगाएंगे और देखते हैं इसकी कैसी क्वालिटी है। तो बने रहिए वीडियो में, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस वीक पक्का आपको एक बढ़िया वाला वीडियो मिलने वाला है और इसका फिर परफॉर्मेंस भी चेक हो जाएगा राइड के टाइम की कैसा परफॉर्मेंस देता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज कहाँ फिर चैनल को ढूंढेंगे आप सर्च करके यूट्यूब में। तो ठीक है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अपन। पहले आपको दिखाते हैं इस बॉक्स में क्या क्या कंटेंट आता है, क्वालिटी कैसी है, उसके बाद फिर चलते हैं बाइक पे, फिट करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं और अपनी राइड के ड्यूरिंग इसकी एग्जैक्ट टेस्टिंग हो जाएगी कैसे ही है। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीक पक्के में आपको एक बढ़िया वाली राइड मिलने वाली है, क्योंकि बारिश ऑलरेडी पुणे के आसपास हो चुकी है, तो एकदम मस्त ग्रीन ग्रीन हो गया है और नेक्स्ट वीक भी एक बढ़िया वाली राइड प्लान है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, दिखाता हूँ आपको मैं इसके कंटेंट अभी। तो इस तरीके से इसका बॉक्स आता है, इसमें यहाँ पर मेंशन है बोबो, ये मॉडल है BM10H, वाटरप्रूफ हैंडल बार, बाइक फोन होल्डर, 360 डिग्री रोटेशन, साइज क्या है, 7.0 इंचेस तक का फोन आ सकता है। तो मेजरली जो फोन होते हैं हमारे वो 6.5 इंचेस ही होते हैं। 3 साइड सेफ्टी लॉक, मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है, वो जो टिफिन आता ना बच्चों का ऐसे बंद हो जाता है वैसा है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें है 1 ईयर वारंटी, यहाँ मेंशन है 1 ईयर वारंटी और नो वारंटी विदाउट वैलिड टैक्स इनवॉइस। वो तो आपको क्या है, लेने के बाद व्हाट्सएप पे ये रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी वारंटी हो जाएगी। और जहाँ से भी लोगे आप, शॉप से लेते हो, अमेजोन से लेते हो, आपको इनवॉइस तो मिलती ही है, तो कोई उसका इशू है ही नहीं। चलो बॉक्स खोल के देखते हैं क्या आता है इसके अंदर। के डब्बे के अंदर एक और डब्बा, ये मॉडल है। सो एक्चुअली क्या होता है कि ये वर्जन है, इसके ऊपर भी 2 वर्जन आते हैं। एक जो आता है जिसमें मोबाइल वाइब्रेशन डैम्पिंग के साथ आता है। वाइब्रेशन डैम्पिंग मतलब, कुछ दिनों से आपने सुना होगा ना कि जो अपना इमेज सेंसर है, स्टेबलाइजेशन सेंसर है, वो गड़बड़ हो जाता है अगर आप बाइक पे उस पर माउंट करते हो। तो मैंने ये विदाउट वाइब्रेशन वाला ही बुलवाया हूँ, थोड़ा कम कॉस्ट कर गया, ये अराउंड मुझे 1900 का पड़ा है। रीज़न ये है कि 3 साल से वैसे तो मैं यूज़ कर ही रहा हूँ एंड्रॉयड आईफोन दोनों एज अ नेविगेशन के लिए मेरी बाइक पे, मुझे तो कोई इशू नहीं आया वैसा, तो मैंने फिर ये बुलाया। लेकिन आपको अगर ऐसा फील होता है तो आप वो वर्जन भी बुला सकते हो, मैं उसका डिटेल्स दे दूंगा एक्चुअली इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक एंड डिटेल्स दोनों दे दूंगा, तो आपकी चॉइस जो आपको बुलवाना चाहो। और थर्ड वर्जन जो है वो आजकल नया है, एक सॉफ्ट पाउच केस में आया है, वो दोनों इससे कॉस्टली है, ये सबसे इकोनॉमिकल है इस रेंज का। सो ये देखिए, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ पे आपका माउंट होगा और पीछे से भी इन्होंने फिल्म दिया है, ये ट्रांसपेरेंट दिया है कि ताकि इनकेस आप अगर शूट करना चाहो इस तरीके से तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल देता हूँ, इसको भी निकाल देते हैं, साइज काफी बड़ा है इसका। अब मैं जो बता रहा था ना आपको, बच्चों के टिफिन जैसे खुलता है, एक ये एक ये एक ये, इसको साइड में रखता हूँ, फिर इसके कंटेंट दिखाता हूँ। ये ऐसे ओपन हो जाता है, उसके बाद आप इसमें फ़ोन लगा सकते हो। और ये जो सपोर्ट है ये स्प्रिंग वाला है, देखिए आप स्प्रिंग, यहाँ पर रबर है और ये स्प्रिंग है। ये इसलिए है क्योंकि जब आप फ़ोन रखते हो तो ये आप
फ़ोन को पुश करता है और आपके फ़ोन की स्क्रीन ना टच होती है इस पे, और ये टच इनेबल स्क्रीन है। हालांकि ये कुछ सॉफ्ट प्लास्टिक टाइप का ही मटेरियल लग रहा है, इट इज़ नॉट अ ग्लास बट ड्यूरेबल है। तो इसमें फ़ोन लगा के देखते हैं हम लोग टच काम करता है या नहीं करता है। तो ये रहा मेरा एंड्रॉयड फ़ोन, लेट्स से इसमें नेविगेशन ही चालू कर लेता हूँ मैं। मैंने इंदौर का मेरे घर का डायरेक्शन लगा लिया, ठीक है चलेगा। अभी इसको स्टार्ट करके मैं इसमें लगा देता हूँ। तो ये फोन बढ़िया तरीके से आ गया। अब आप देखेंगे ना तो ये टच पूरा काम करता है, और काम भी करना चाहिए दोस्तों। रीज़न ये है कि जब आप बाइक पे रहोगे, चलाते रहोगे, आपको कुछ भी देखना पड़ेगा तो बार बार इसको आप ओपन तो करोगे नहीं, आप एक्सपेक्ट करोगे यहीं से पूरा टच चले। तो ये सब कुछ टच इनेबल्ड है, प्लास्टिक इसका ऐसा है, पूरा फ़ोन आप यहाँ से ना ऑपरेट कर सकते हो, पिक भी कर सकते हो। अगर आपका इंटरकॉम या ब्लूटूथ कनेक्टेड है तो आप यहाँ से फ़ोन भी पिक कर सकते हो। निकालता हूँ इसको फिर से, फ़ोन साइड में रखते हैं। ये स्प्रिंग जो बता रहा था मैं, और ये रबराइज है तो फोन स्लिप भी नहीं होगा। उसके साथ यहाँ पर देख पा रहे अगर तो ये मोबाइल चार्जिंग के लिए भी एक सॉकेट दिया है, और ये भी काफ़ी सील्ड है, वाटरप्रूफ है, तो इसमें से वायर जाएगा। हालांकि हाँ, इस तरीके से होगा तो पानी जा सकता है, इस तरीके से रखा आपने तो नहीं जाएगा, इस तरीके से रखा तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो यहाँ से आप चार्जिंग केबल ले सकते हो और फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हो। और ये जो मटेरियल है इसकी सीलिंग है ना, पूरी रबराइज सीलिंग है, तो साइड से कहीं से भी पानी जाना मुश्किल है, ऐसा क्लेम करते हैं ये लोग। बट जैसे नेक्स्ट राइड में हम लोग जाएंगे, आप बने रहना साथ में उस राइड पे, तब हम इसका रिव्यू करेंगे कि ये किस तरीके से पानी को रोक पाता है। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज़ वो वीडियो आपसे मिस हो सकता है। जल्दी आने वाला, एक दो दिन में आ जाएगा राइड का वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको परफॉर्मेंस पता चलेगा। और ये कवर बहुत हैंडी पड़ता है दोस्तों, अगर आप राइड करते हैं या तो फिर आप सिटी में भी ट्रैवल करते, ऑफिस जाते, मैप लगाते, या तो जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये। थोड़ा कॉस्टली है ऑब्वियसली, बट क्वालिटी भी उस तरीके की मिल रही है आपको, मतलब कई सालों तक ये चलेगा। बारिश के बाद आप निकाल के रख दीजिए। तो ठीक है, अब ये कवर हो गया। अब इसके माउंट्स देख लेते हैं क्या क्या आते हैं बॉक्स में। तो एक तो ये पाउच आया है, इसके नीचे कुछ है नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसको साइड में रखते हैं। तो देखते हैं इस पाउच में अब क्या क्या आता है। ओके, तो पहले तो आपको ये चार डिफरेंट टाइप के, ये डिफरेंट टाइप के बोल सकते हैं कि एडजस्टमेंट्स आते हैं। अगर आपकी बाइक का हैंडल थोड़ा पतला है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, और थोड़ा मोटा है तो ये यूज़ कर सकते हो। जो भी आपकी बाइक के हैंडल के मोटाई के अकॉर्डिंग सूटेबल हो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। तो ये इस तरीके से इसमें फिट हो जाएगा, और ये एलन की आती है, ये टाइटनिंग स्क्रू आता है, और ये रबर आती है। एक्चुअली मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे लगेगा। सो आपको सबसे पहले ये रबर जो है इसका कवर निकाल के यहाँ पे इसको ऐसे फिट करना पड़ेगा ताकि हैंडल से ग्रिप बन जाए। उसके बाद स्क्रू टाइट, ये आपका यहाँ पर लगेगा, और उसके बाद इसे इसे फोर्स करके इसमें फिट कर दीजिए, और यहाँ से इसको ऐसे टाइट कर दीजिए। तो ये आपका हैंडल में ऐसा फिट हो गया, इस तरीके से फिट हो जाएगा, और मूवमेंट भी हो जाएगा ये थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। तो जैसे जिस भी डायरेक्शन में, इस तरीके से जिस डायरेक्शन में आपको रखना है उस डायरेक्शन में ये ऐसे फिट हो जाएगा। तो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है इसकी दोस्तों, मुझे ठीक लगी क्वालिटी, इसलिए परचेस किया। आप भी देख सकते हैं, रिव्यू मैं आपको शेयर कर ही दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब चलते हैं बाइक पे और इसको फिट करते हैं, देखते हैं कितना इजी है ये बाइक पे फिट करने के लिए। बाकी वाटरप्रूफिंग के हिसाब से तो मुझे लग रहा है ये पानी काफ़ी रोक लेगा, क्योंकि इसके अंदर भी रबर सीलिंग है, और ये जो कवर है इसका ये हार्ड प्लास्टिक है, और इस तरीके से लगा हुआ है कि ये पानी को रोक सकता है। माउंट भी ठीक है, हाँ बस मुझे लगता है इसको ऐसे करना पड़ेगा कि जब आप इसको ना यूज़ करें तो बेटर है निकाल के रख दें। वैसे मोबाइल अगर बाइक में लगा है तो काफ़ी है, मज़बूत है, ये निकलने से रहा।
मैं इतनी ताकत लगा रहा हूँ तो भी नहीं निकल रहा है। बट हाँ, आइडल स्टेट में अगर आप यूज नहीं करते हो, बारिश बंद हो जाएगी, तो आप इसको निकाल के रख सकते हो, नेक्स्ट बारिश में यूज कर सकते हो। तो हम बाइक पे चलते हैं और वहां पर फिट करके देखते हैं ये कैसे फिट होता है, बाइक पे दिखता कैसे। तो ये सामान मैंने निकाल के रखा है और अपनी बाइक के हिसाब से ये जो छोटे वाले हैं स्पेसर, ये वाले लगेंगे। ये टेपिंग मैंने यहाँ पे कर दी है क्योंकि इससे जस्ट आपको पता चलेगा कि कहाँ पर इसको प्लेस करना है हैंडल पर। तो ये ऐसे स्पेसर रख लेता हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स कुछ है नहीं इसको लगाना, जस्ट थोड़ा सा इसको मैच करना है आपको इस तरीके से, जैसे ये अभी हो गया सेट। राइट, अभी ये रबर टाइट होगी एक्चुअली यहाँ से, सो इसको स्क्रू ले लेता हूँ मैं, यहाँ से लगाता हूँ और एलन की से टाइट करना चालू करता हूँ। अच्छे से टाइट कर दीजिए इसको, बढ़िया निकले ना वैसे। और एक बार टाइट होने के बाद सिंपली ये स्क्रू यहाँ लगाना है और अपना बॉक्स इसमें फिट करना है और ऐसे कर देना है इसको टाइट। तो अभी आपका फोन ऐसे ऐसे, अब मेरा थोड़ा सा क्या है अलाइनमेंट ज़्यादा टेढ़ा हो गया तो ज़्यादा ऐसे नहीं हो रहा है, बट आप अगर उस तरीके से करेंगे ना तो ये बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो यह फ़ोन भी मुझे यहाँ से दिख रहा है, ऐसा भी कर सकता हूँ इसको, ऐसा भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, और जब बाइक ऐसे चलाऊँगा तो ऐसे दिखेगा मुझे। तो अपने हिसाब से, बाइक के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ये पूरा रोटेशन हो जाता है इसका जैसे भी करना है। हाँ, टाइट ज़रूर अच्छे से करिएगा और इसको ईजीली जब नहीं लगे निकाल भी सकते हैं, है ना। तो बढ़िया है दोस्तों, ईजी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ नहीं है, अच्छे से इसको टाइट कर लीजिएगा बस। तो ठीक है, चलिए, वीडियो बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के बीच, और जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट राइड पे, जिस पे इसका परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे वाकई में पानी रोक पाता है या नहीं रोक पाता है, अगर बारिश होती है तो। बट से उम्मीद है बारिश होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।